दुबई वाला राजा, आज आपके साथ खेलूंगा लुक्का छुपी। इस फिल्म के डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन ने और इसके कलाकार हैं खूबसूरत कार्तिक आर्यन और महाखूबसूरत कीर्ति सेनन। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है मथुरा से और कहानी का बेस है लिव इन रिलेशन। कार्तिक आर्यन मथुरा के एक चैनल पर न्यूज रीडर का काम करते हैं और वो अपने दोस्त के साथ कैमरा लेकर यहाँ से वहाँ कई अलग अलग प्रकार की न्यूज देते हैं और उनके ऑफिस में आ जाती है कीर्ति सेनन और उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। कीर्ति सेनन को उनके पिताजी लेकर आते हैं और वो वहाँ उसको नौकरी पर लगा देते हैं। उनका कहना था संपादक से कि ये बच्ची दिल्ली जाकर जॉब करने वाली थी तो आप इसको अपने पास रख लीजिए। और कीर्ति सेनन के पिताजी कट्टर हिंदू समाज के काफ़ी बड़े नेता होते हैं और वो उन सब के पीछे पड़े होते हैं जो कि लिव इन रिलेशंस में रहते हैं। वहाँ का एक बड़ा बहुत मुस्लिम हीरो जो कि लिव इन रिलेशन में रहता है, उनके पोस्टर फाड़कर फेंक दिए जाते हैं, उनका बहिष्कार किया जाता है और कई ऐसे लोगों को, कपल्स को पकड़ पकड़ कर उनके मुंह काले किए जाते हैं जो कि आपस में मिलकर घूम रहे होते हैं या प्यार मशक्का कर रहे होते हैं। कहानी में गुड्डू और रश्मि यानी कि कार्तिक आर्यन और कीर्ति के बीच में प्यार पलने लगता है और एक दिन कार्तिक आर्यन यानी कि गुड्डू उसको कह देता है, उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन कीर्ति उसको कहती है नहीं, मैं लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं पहले देखना कि क्या होता है शादी के पहले, या ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए मुझसे। इसीलिए वो उसको तैयार करती है लिव इन रिलेशन में रहने के लिए। ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछना आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? पर बॉस, मुझे क्या पता था कि मैं इस मॉडर्न पे मैं फंस जाऊंगा। एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। ये बात कहां से आ गई शादी के बीच में? जे शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। और उनका दोस्त उन्हें आइडिया देता है कि हम ग्वालियर जा रहे हैं, मथुरा के पास ही है, वहां जाकर 20 दिन हम लोग रहेंगे तो तुम दोनों 20 दिन के लिए एक घर किराए पर लेकर उसमें रह जाओ। आप शादीशुदा नहीं, आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक टीका लगाना है, माला ही तो पहनी है। मैं रेडी हूँ। होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता। अगर वो करना है तो होटल बुक करा लो। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। तुम ना ज्यादा उछलो मत। ग्वालियर के उस फ्लैट में रहते रहते उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों के घर में कंडोम भी नजर आते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के लिए और उस प्यार में खटास पड़ जाती है एक पड़ोसी आंटी की वजह से। वो पूरी सोसाइटी को लेकर आ जाती है और साबित करने की कोशिश करती है कि जोड़ा शादीशुदा नहीं है। अजी सुनती हो? अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितने टाइम हुआ है? एक साल। छह महीने। लेकिन रातों रात वो इस बात की तैयारी कर लेते हैं जिसमें उनके अलग अलग शादीशुदा फोटो लगे होते हैं, हालांकि वो सब नकली और डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन ये साबित हो जाता है कि वो शादीशुदा जोड़ा है। लेकिन इसके बीच में उसकी पूरी की पूरी फैमिली, कार्तिक के दो भाई, उसकी माँ, उसका फादर, सब लोग आ जाते हैं वहाँ पर और वो सब रोते रोते ये देखते हैं कि ये तो शादीशुदा है। वो बहुत चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, घबराते हैं, लेकिन आखिर वो इस बात को मान लेते हैं कि चलो भाई शादी तो की है और उनको अपनी बहू भी पसंद आ जाती है। पक्के शादी क्यों करी तुझे? मैं इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है पर शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। और वो उनको लेकर कीर्ति सेनन के फादर के पास चले जाते हैं। उनका भी वही हाल होता है, वो भी इस बात को मान लेते हैं और ये कपल शादीशुदा करार दिया जाता है और वो अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है असली।
क्योंकि वो लड़का और लड़की यानी कि गुड्डू और रश्मि को तो पता है कि वो शादीशुदा नहीं है। अब वो सोचते हैं हम एक पहले कपल हैं जो कि अपने परिवार में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन में, शादीशुदा हो न होते हुए भी शादीशुदा सब लोग मानते हैं हमें, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और दोस्तों उस शादी करने के लिए उन्हें क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, घर में रहते हुए शादीशुदा कहलाते हुए फिर शादी करने की लालच में क्या क्या उनके ऊपर गुजरता है, ये इस कहानी को समझने के लिए देखने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके आगे की कहानी मैं आपको न बताऊं और आप जाकर बड़े पर्दे पर थिएटर में इसको देखें। खबर छपवा दो अखबार में। सब समझ गया मैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप सबको उल्लू बना रहे हो। दोस्तों फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छा है, गाने काफी पॉपुलर है, जैसे कि कोका कोला काफी हिट हो गया है, बच्चों को और बड़ों को पसंद आ रहा है। और अब हम बात करेंगे कलाकारों के अभिनय की, तो कार्तिक आर्यन इसमें बिल्कुल फिट बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये रोल आयुष्मान खुराना का छीन लिया है, लेकिन वो अपने रोल से पूरा न्याय करते हैं और कीर्ति सेनन ने भी अपना काम ठीक ठाक किया है। बाकी सब कलाकारों का अभिनय सही सही है, कोई खास नहीं है लेकिन इतना खराब भी नहीं है। दोस्तों ऑन द होल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि फिल्म पारिवारिक है, देखने लायक है, आप सबको इस फिल्म को बड़े पर्दे पर जाकर देखना चाहिए, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक आधा सीन ऐसा है जहां जहां आप बोरिंग फील करेंगे, लेकिन ऑन द होल फिल्म अच्छी है, फिल्म को देखने में कोई बुराई नहीं है, कलाकारों ने अभिनय ठीक किया है, म्यूजिक काफ़ी संजीदा और अच्छा है, और कॉमेडी की थोड़ी थोड़ी कमी खलती है लेकिन दिखाने की कोशिश की गई है, और अगर थोड़ा सा स्क्रीन प्ले पे ध्यान देते तो शायद फिल्म और अच्छी बन सकती थी। त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के शादी कर ली है। अरे तो शादी करी है ना, बिना शादी के तो जिना रह रहते। अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता। तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर की। डायरेक्टर ने अपना काम सही सही किया है, लेकिन फिल्म में अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो फिल्म और ऊपर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। हालांकि फिल्म में सब कुछ था लेकिन कुछ ऐसी कमी थी जो फिल्म को ऊपर तक नहीं ले जाती है। गुड्डू शादी कैसे करनी है? गुड्डू को ना पता कैसे करनी शादी। गुड्डू तो इतना उतावला हो गया ना कि अगर जहां कोई हवन और मंत्र पढ़ने वाला मिल जाए ना तो यही कर ले शादी। सर्व मंगल मांगल्य नारायण नमो। वो ना मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया। तो दोस्तों अब बात निकली है स्टार की, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देना पसंद करूंगा। और दोस्तों मैं आपका दुबई वाला राजा आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, बटन आपके सामने है, और आइए मेरे दिल के और नज़दीक आइए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। लुका छुपी आज की खत्म।